नमस्कार। राजस्थान जी के ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट टू हम लोग कर लेते हैं। पहला आ जाता है बांसवाड़ा जिले का खांडू ग्राम, जन्म स्थान है हरिदेव जोशी का, उपन्यास घरौंदे के लेखक हैं डॉक्टर रांगी राघव। जगत का अंबिका मंदिर उदयपुर में है। सूर्य मंदिर शारदा पाटन, ब्रह्मा जी का एकमात्र विख्यात मंदिर पुष्कर में है। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह, बाल संबंध झील जोधपुर। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी की शुरुआत 26 जनवरी 1982। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत 1874 में हाड़ोती यातायात प्रशिक्षण पार्क कोटा में है। हेमावास बांध पाली में है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बेटसी पिलानी में है। बुद्ध सागर टोंक में है। द्वाकरा योजना 1984 से 1994 तक। राजस्थान का पहला दुग्ध मार्ग खोला गया बीकानेर में 1992 में। भील गीतों में नृत्य के साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं जैसे ढोल, नगाड़ा, कांसे की थाली आदि। राजस्थान में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में है जो 1961 में बनाया गया था। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। राजस्थान में नवोदय विद्यालय प्रारंभ हुए थे 1986 से। चंद्रभागा पशु मेला लगता है झालरा पाटन में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं नागौर में। अल्लाह जिलाई बाई ये मांड गायकी से संबंधित है। पंडित राम नारायण सारंगी वादन से संबंधित है। काका के नाम से जाना जाता है देवेंद्र कुमार कर्णावट को। अहोर किस जिले में है? जालौर। अभीरा महल कहाँ है? कोटा। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है विराट नगर किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? बौद्ध धर्म का। प्रतिहार स्थापत्य का सबसे बड़ा केंद्र ओसियां। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम हो सकती है 30। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा MP के साथ लगती है और MP के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है भीलवाड़ा। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यू आकार वाली नदी है माही। 56 का मैदान किस नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है? माही। राजस्थान की वह एकमात्र झील जिसके नाम पर जिले का नामकरण हुआ राजसमंद। IGNP की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का श्री गणेश गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। राजस्थान फीडर कहाँ से कहाँ तक है? हरि के बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली हैड तक। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत लागत में केंद्र सरकार का हिस्सा 2/3 भाग है। भाखड़ा बांध से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है? हनुमानगढ़ में। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में महासमिति के ऐतिहासिक अधिवेशन में मेवाड़ रियासत का प्रतिनिधित्व किया माणिक्य लाल वर्मा ने। हटुंडी आश्रम की स्थापना 1927। राजस्थान की रियासतों का प्रेरणा स्थल व प्रशिक्षण का केंद्र अजमेर। गांधी आश्रम की स्थापना कुशलगढ़ बांगड़ प्रदेश के गांधी भोगीलाल पंड्या। पंचीरा नामक प्रसिद्ध लोकगीत के रचयिता माणिक्य लाल वर्मा। हरिभा उपाध्याय का वास्तविक नाम बद्रीनाथ और वैध राजस्थान की राजधानी थी जयपुर। धन्यवाद।